इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू शुड फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इन स्टेप को फॉलो करिए मेरे साथियों। आपको आपको 8 सिंपल स्टेप्स मैं आपको देने जा रहा हूं आज। आई प्रॉमिस यू दैट इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स फॉर द नेक्स्ट 10 डेज देन इन 11 डेज यू विल से अ चेंज इन योरसेल्फ। अगर अगले 10 दिन तक आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो गारंटी साथ करके आप वादा करते हैं अगले 11 दिन में आपको अपने आप के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप इन्हें फील करने कर सकते। ठीक है, फर्स्ट आप स्टेप है स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक 30 मिनट्स डेली। आपको रोजाना 30 मिनट तक, ओनली 30 मिनट तक इंग्लिश की बुक रीड करनी है। जैसे भी आप किसी फ्लुएंस में बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो भी पढ़नी है बिना किसी हिचकी चाहकर। पढ़नी है तो पढ़नी है, अगर सीखनी है, है ना, इंग्लिश सीखनी है तो पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक, सेकंड है स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश स्पीच, है ना, 10 to 30 मिनट्स डेली। आपको स्पीच सुननी, इंग्लिश की आप चाहे न्यूज़ देखे चाहे कुछ भी देखे, कहीं पर भी इंग्लिश अगर आपको बोलने को सुनने को मिल रही है तो उसे सुनी, ध्यानपूर्वक सुनी उसे कि वो अगर किस फ्लुएंसी में इसको बोल रहा है। आप द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको बिल्कुल उसकी स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों साथ में मिल जाएगी। वो बोलेगा आप सुन लोगे उसको, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। थर्ड स्टेप है आपको राइट स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के इंग्लिश बोली, इंग्लिश को लिखी, इंग्लिश में सोची, बिल्कुल आपके अंदर चेंजेस मिलेगा। और अगला है हमारा फोर्थ नंबर है मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरी डे। प्रत्येक रोजाना रोजाना आप क्या करोगे, अपनी जो गलती है उसे कम करोगे, मिनिमाइजिंग कम करना योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को प्रतिदिन आप कम करते चले जाओगे। ठीक है ना, पहले दिन जो गलती होगी दूसरे दिन नहीं होगी, वो जो दूसरे दिन होगी तीसरे दिन नहीं होगी, और फाइनली अंदर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे इसके अंदर। पांच में स्टेप है इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एवरी डे। आप कुछ भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो भी वोकैब आएगी उसका आप अर्थ समझोगे और उसको सर्च करोगे, फिर उसके बारे में आपको अन्यत्र और चीज़ें मिलेगी देखेंगे, इससे आपकी इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी और वोकैब आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अगला है सिक्स में स्टेप है यूज सिंपल सेंटेंस व्हाइल राइटिंग स्पीकिंग इंग्लिश। आप जब भी बोलते हैं लिखेंगे छोटे छोटे इंग्लिश के जो सेंटेंस हैं उनको यूज किया करें, उनका उपयोग किया करें, उनका प्रयोग किया करें, ठीक है, और बोलने में बिना किसी हेजिटेशन के। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये काम आपको करने ही पड़ेंगे। वॉच इंग्लिश न्यूज़ वीडियोज मूवीज एवरी डे। आप न्यूज़ सुनते हैं तो भी इंग्लिश में सुनिएगा, देखते हैं तो इंग्लिश में देखिएगा, मूवीज है वो भी इंग्लिश के कुछ एपिसोड है वो देखने की कोशिश करें। आपको समझ में नहीं आएगा एक दो दिन, फिर भी आप तीसरे चौथे दिन आप उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। और अंततः आठवां आपका है ट्राई टू फ्रेम सेंटेंस और अपनी डेली रूटीन की डायरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप छोटे छोटे सेंटेंस से उनको बनाइए और उनको फ्रेम दीजिए, उनको बनाइए, उनको कोशिश करिए कि आप कुछ बेस्ट कर सकें। और यही जो आपका समर्पण है ये आपको इंग्लिश सिखा देगा एक दिन। और आप इस वीडियो कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जरूर कर सकते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।